imminent do you think an attack on Israel is from Iran, Mr. President? I don't want to get into secure information, but my expectations sooner than later. युद्ध के मैदान में बदलने जा रही है दुनिया। किसी भी वक्त छिड़ सकता है तीसरा वर्ल्ड वॉर। जंग की आग अब भड़काएगा ये देश। रूस यूक्रेन जंग, इजराइल और हमास जंग के बीच एक और युद्ध शुरू होता दिख रहा है। दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हमले का आरोप इजराइल पर लगाया। इस हमले के बाद से ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खानेमेई ने बार बार इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के दो जनरलों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से तेहरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है और माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान से युद्ध के कयास और बढ़ गए हैं, क्योंकि तनाव को देखते हुए अमेरिका समेत कई देशों ने खास एडवाइजरी जारी की है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया के सामने दावा किया है कि जल्द ही इसराइल के खिलाफ एक बड़े ईरानी हमले की आशंका है, जिसमें देश के अंदर सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने वाले 100 से अधिक ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें शामिल होंगी। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना ज्यादा विध्वंसक होने वाला है। इसराइल पर हमले को लेकर ईरान को अमेरिका ने चेतावनी जारी की है। युद्ध की आशंका बढ़ने के कारण हाल के दिनों में इसराइल पर ईरानी जवाबी हमले के लिए अमेरिका हाई अलर्ट पर है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. ईरान और इजराइल के बीच बन रहे युद्ध जैसे हालात को देखते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इजराइल में मौजूद अपने राजनयिकों पर यात्रा का प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी दूतावास ने इसराइल में अपने राजनयिक कर्मचारियों को यरूशलम, तेल अवीव और बीर शेबा के इलाकों से बाहर एहतियातन यात्रा ना करने की सलाह दी है। किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर दूतावास में भी संपर्क करने को कहा है। अमेरिका के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को ईरान और इसराइल न जाने का सुझाव दिया। दोनों देशों में मौजूद भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बता दें कि अप्रैल और मई महीने के बीच भारत से 6,000 मजदूरों को इसराइल भेजने की योजना थी, लेकिन खतरे को देखते हुए फिलहाल विदेश विभाग ने मजदूरों को इसराइल भेजने का फैसला टाल दिया है। इसके साथ ही फ्रांस और ब्रिटेन ने भी मध्य पूर्व में भारी तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को इसराइल, लेबनान से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन ईरान का ये विध्वंसक हमला इसराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसराइल गाजा से युद्ध के बीच पहले ही कई और फोर्सेस का सामना कर रहा है, जिसमें हिजबुल्ला समेत कई और संगठन शामिल हैं। ऐसे में ईरान का यह हमला इसराइल के लिए बड़ा ही घातक और विनाशकारी साबित हो सकता है। इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान का इसराइल पर हमले की तैयारी से पश्चिम एशिया के बड़े इलाकों में भी जंग फैलने का डर पैदा हो गया है।